जेन्युइनली मतलब आई रिमेम्बर ऑन द वेरी फर्स्ट डे जब मैं गई थी फेस के आगे डील के आगे शो बड़ा और इस तरह से आगे मुझे करना पड़ा फेस उन चीजों नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों मुनावर फारूकी एंड आयशा खान की दोस्ती हो चुकी है। यस दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मुनावर फारूकी एंड आयशा खान एक साथ Instagram पर लाइव आए थे, जिसमें उन्होंने बिग बॉस को लेकर के काफी अच्छी अच्छी बातें की एंड साथ ही साथ उन्होंने अपनी पर्सनल कॉन्ट्रोवर्सी को लेकर भी काफी कुछ बातें कही है। तो दोस्तों आखिरकार उन दोनों ने क्या कहा है अपने इस लाइव में, पूरी जानकारी हम आप लोगों को इस वीडियो में देंगे, इसलिए दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहना। दोस्तों आपको बता दे, मुनावर फारूकी एंड आयशा खान ने एक साथ कहा है, मतलब कि अपने फैंस को, कि भैया जो बिग बॉस में होना था वो हो गया। आयशा खान ने जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए वो सब मतलब बेबुनियाद थे, वो बात सही है, लेकिन हो गया, एंटरटेनमेंट पर्पस पे चलो उसको सही रखते हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं बिग बॉस में जो टीआरपी के लिए चीज़ें होती हैं, तो चलो आयशा खान की वजह से बिग बॉस की टीआरपी हाई हुई और मैं निराश भी हो गया था, लेकिन छोड़ो बिग बॉस ख़त्म तो दुश्मनी ख़त्म। वहीं आयशा खान ने कहा कि मुनावर भाई यार तुमसे दिल से मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ, मतलब कि जो भी था वो एंटरटेनमेंट पर्पस पे था, बाकी वो अलग बात है। हाँ कुछ चीज़ें पर्सनली मैंने बहुत ज़्यादा हेट बोल दी तुमको लेकर के, तो उन चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा मतलब गिल्टी फील कर रही हूँ, लेकिन ये है कि जो हुआ सो हुआ, अब अपन दोस्त हैं, अच्छे रहेंगे और आगे अगर कुछ अच्छा काम मिलता है तो हम दोनों एक साथ में काम भी कर लेंगे। तो दोस्तों ऐसा कुछ बातें दोनों ने कही है, मतलब कि मुनावर ने और आयशा ने अपने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर के। तो फिलहाल आप लोगों का इस बारे में क्या है कहना, हमें अपनी राय कमेंट पर दो और साथ ही साथ ऐसे अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।